हेलो गाइस, मेरा नाम विजय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फो विद विजय। सो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारी होम स्क्रीन की डिजाइनिंग को। तो सबसे पहले मैं इस स्क्रीन को रिफ्रैक्टर कर देता हूं, इसको रीनेम करके मैं कर देता हूं प्ले स्क्रीन, सो दैट कि थोड़ा ये मीनिंगफुल लगे, क्योंकि होम स्क्रीन हमारी स्प्लैश स्क्रीन जैसी ही लगती है। इसे मैं देता हूँ नाम प्ले स्क्रीन। तो आप देख सकते हैं कि अब यह रिफ्रैक्टर हो गई है। अलॉन्ग विद दैट इसकी मैं कोरोस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल फाइल को भी रीनेम कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये एक्टिविटी होम से मैं देता हूँ उसे एक्टिविटी प्ले। ये हो चुकी हमारी एक्टिविटी प्ले स्क्रीन। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस एक्टिविटी प्ले स्क्रीन डिजाइनिंग। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी डिजाइनिंग को। तो सबसे पहले मैं एक अननेसेसरी कोड हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं इसे यूज करूंगा लीनियर लेआउट एज अ रूट लेआउट। तो ये हो चुका है हमारा लीनियर लेआउट। जैसे कि जो ओरिएंटेशन है उसे मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ वर्टिकल। तो यहाँ पे मैं ओरिएंटेशन दे देता हूँ गाइस वर्टिकल। नाउ इस साइड ऑफ दिस लीनियर लेआउट वी नीड टू प्लेस अ टेक्स्ट व्यू। तो यहाँ से मैं टेक्स्ट व्यू को ड्रैग करता हूँ लीनियर लेआउट पे डालता हूँ। देन इसके बाद मुझे एक इमेज व्यू की भी जरूरत है, तो सबसे पहले मैं इमेज को कॉपी कर देता हूँ। ये है मेरा क्विज लोगो जो कि मैं यूज करूंगा इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर। देन यहाँ पे आकर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। सो मेक श्योर कि आप ड्रेवल डायरेक्टरी के अंदर से पेस्ट कर रहे हो इंस्टेंट ऑफ ड्रेवल 24। तो आप देख सकते हैं आप यहाँ पे इसे रीनेम भी कर देते हैं, तो मैं क्विज लोगो ही रहने देता हूँ। देन मैं एक इमेज व्यू ड्रैग करता हूँ। एंड नाउ यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना होगा हमारा लोगो। सो ये है हमारा क्विज लोगो, सेलेक्ट करता हूँ ओके। नाउ यू कैन सी ये लोगो आ चुका है। सो ये रैप कंटेंट है, इसके डायमेंशन काफ़ी ज़्यादा है। सो वापस आ जाता हूँ मैं इसके अपने डिज़ाइन टैब में, इसे सेलेक्ट करता हूँ। देन यहाँ पे मैं इसको विड्थ जो है इसकी मैं देता हूँ 200 dpi। देन जो इसकी हाइट है उसे भी मैं 200 dpi स्पेसीफाई कर देता हूँ। देन यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा जो ग्रेविटी प्रॉपर्टी, सो लेआउट ग्रेविटी मैं सेंटर यूज़ करता हूँ। सो इंस्टेंट ऑफ ग्रेविटी यूज़ करके देखते हैं। सो आप देख सकते हैं कि दोनों कंटेंट हमारे सेंटर में आ चुके हैं। नाउ जो टेक्स्ट है इसको हमें मॉडिफाई करना होगा। तो सबसे पहले मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट साइज। सो टेक्स्ट साइज में यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ 30 × 40 sp, नॉट dp इज गोइंग टू बी 40 sp। तो 40 sp भी कम है, तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ 70 sp। और जो टेक्स्ट है मैं दे देता हूँ ट्रिवा क्विज। सो ये होगा हमारा ट्रिवा क्विज ऐप। सो यहाँ पे मेक श्योर की स्पेसिस भी दे दें हम। नेक्स्ट के बाद मैं उसकी स्पेसिफाई करता हूँ टेक्स्ट अलाइनमेंट। सो टेक्स्ट अलाइनमेंट वही जाएगी सेंटर और टेक्स्ट स्टाइल इज गोइंग टू बोल्ड। एंड देन टेक्स्ट कलर, सो टेक्स्ट कलर मैं यहाँ पे प्योर यूज करूंगा व्हाइट। देन आप देख सकते हैं दिख नहीं रहा। सो इसके लिए हमारे को बैकग्राउंड स्पेसिफाई करना होगा हमारे लीनियर लेआउट का, जो कि होगा हमारा बैकग्राउंड ही। सो ये आ चुका हमारा बैकग्राउंड, दैट्स अ नाइस बैकग्राउंड। तो अब यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं थोड़ा सा हमें इसे ऊपर करना होगा, जो कि ऑटोमेटिकली हो जाएगा जैसे हम इसके अंदर और लेआउट्स को प्लेस करेंगे। अब हमें एक बटन की भी जरूरत है, तो मैं यहाँ पे बटन स्पेसिफाई करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यह आ चुका है हमारा बटन। अलॉन्ग विद दैट एक और मैं बटन स्पेसिफाई करूंगा। तो ये बटन होगा प्ले स्क्रीन और ये होगा सेटिंग्स। तो चलिए इनको मॉडिफाई करते हैं। तो ये आ चुका हमारा बटन, तो इसे मैं यूज करता हूँ प्ले क्विज। एंड देन दिस इज गोइंग टू बी अवर सेटिंग्स। ये हो गया हमारा सेटिंग्स। और यहाँ पे मैं इनकी आईडीज को भी चेंज कर देता हूँ। तो ये होगा bt सेटिंग्स एंड दिस इज गोइंग टू बी bt प्ले क्विज। तो bt प्ले, तो यहाँ पे प्लस का साइन डल गया, ये होगा प्ले क्विज। तो ये हो चुके कॉरस्पॉन्डिंग बटन। अब इनकी भी हमें आईडीज को मॉडिफाई करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बटन बैकग्राउंड देते हैं, जो कि यूज करूंगा बटन bg जो कि येलो कलर का है। देन अलोंग विद दैट मुझे इनकी टेक्स्ट साइज को इंक्रीज करना है। सो यहाँ पे मैं टेक्स्ट कलर दूंगा #3xf। सो मैं व्हाइट कलर यूज करूंगा। देन इसके बाद यहाँ पे मैं स्पेसिफाई करूंगा टेक्स्ट स्टाइल इज गोइंग टू बोल्ड एंड टेक्स्ट साइज इज गोइंग टू 30 sp। dp आ गया, यहाँ पे मुझे sp यूज करना है, तो sp यूज करते हैं। देन इसके बाद टेक्स्ट ऑल कैप्स की जो प्रॉपर्टी है उसे मैं कर देता हूँ फॉल्स। एंड देन यहाँ पे मुझे पैडिंग स्पेसिफाई करनी है, तो यहाँ पे मैं देता हूँ पैडिंग। सो पैडिंग मैं दे दूंगा वो होगी 50 dp। सो 50 dp कुछ ज़्यादा ही हो जाएगी, तो मुझे यहाँ पे 20 dp स्पेसिफाई करनी है। देन यहाँ पे dp टाइप करना है। सो या 20 dp इस लुक्स, तो 20 dp भी ज़्यादा लग रही है, 10 dp कर देते हैं। सो 10 dp पैडिंग इस लुक्स ग्रेट। सिमिलर कोड में स्पेसिफाई करता हूँ हमारे इस दूसरे टेक्स्ट व्यू पे भी। तो जहाँ तक हमारा बैकग्राउंड से लेके कोड है पैडिंग, तो वो कॉपी कर लेता हूँ और उसे ला के इसे भी पेस्ट कर देता हूँ। देन आप देख सकते हैं काफी ज्यादा जुड़े जुड़े से हैं, तो हमारे को पैडिंग स्पेसिफाई करनी होगी। तो इस बटन की मैं पैडिंग मीन्स मार्जिन देता हूँ फ्रॉम टॉप इज गोइंग टू 10 dp। ऑल्सो यहाँ से भी हम कॉपी करते हैं, तो 10 dp कम है, 15 dp दे देते हैं। तो ये हमारा 15 dp। देन यहाँ से भी हम कॉपी करते हैं, बटन पे आते हैं और यहाँ पे भी पेस्ट करते हैं। देन सिमिलरली हमारे लोगो पे भी पेस्ट कर देते हैं, जो कि इमेज भी है। तो हमारे को इन दोनों को स्टैटिक रखना है, तो आप चाहे तो इनकी आईडी हटा सकते हैं। तो ये हमारा ठीक दिख रहा है अब गाइस लेआउट। सो ऑलमोस्ट लुक्स लाइक ग्रेट।
पर ये काफी ज्यादा यहाँ पे चिपका सा लग रहा है, तो हमारे को स्टार्ट और एंड पैडिंग भी देनी है। तो मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन फ्रॉम स्टार्ट, सो मार्जिन स्टार्ट इज गोइंग टू 10 डीपी, इसको हम 20 कर देते हैं, सो मार्जिन स्टार्ट इज 20 डीपी। एंड सिमिलरली फॉर मार्जिन एंड इज ऑल्सो गोइंग टू बी, या मार्जिन राइट आप दे सकते हैं, इज गोइंग टू 20 डीपी। दोनों को कॉपी करते हैं एंड देन यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हो चुका है, लेकिन यहाँ पे मार्जिन राइट प्रॉपर्टी शायद से वर्क नहीं कर रही है, तो यहाँ पे हमें देना होगा मार्जिन एंड, या सो मार्जिन एंड इज वर्किंग, सो कॉपी दैट। एंड यहाँ पे भी हमारे को मार्जिन एंड प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करनी है। सो नाउ बोथ ऑफ दिस बटन्स आर प्रॉपरली सेट इट। सो अब गाइस हम आते हैं अपनी प्ले स्क्रीन के अंदर और यहाँ पे हम कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं जो कि होंगे हमारे बटन वेरिएबल। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बटन, देन यहाँ पे होगा ये फर्स्ट बटन हमारा बीटी प्ले स्क्रीन जो कि होगा प्ले क्विज बटन, देन कॉमा स्पेसिफाई करते हैं, उसके बाद फिर से लिखते हैं बीटी, देन उसके बाद यहाँ पे जो होगा बीटी हमारा सेटिंग्स, ये होगा हमारा बटन सेटिंग। अब इनके आईडीज को हमें इनिशियलाइज करना है, तो यहाँ पे यूज करेंगे बीटी बीटी प्ले क्विज और यहाँ पे हम इनके आईडीज को इनिशियलाइज कर देते हैं। सो देन यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं जो आईडी है वो है बीटी, तो वो है प्ले क्विज एंड देन सेमी कोलन, देन उसके बाद फिर से यूज करते हैं बीटी सेटिंग्स, देन बीटी सेटिंग्स के बाद फाइंड वी बाय आईडी, देन आईडी को फिर से स्पेसिफाई करते हैं एंड देन यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं बीटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइमर भी आ रहा है, लेकिन हमारे को बीटी सेटिंग्स चाहिए, देन उसके बाद हम इसे टर्मिनेट कर देते हैं। उसके साथ साथ गाइस मैं यहाँ पे लिसनर भी सेट कर देता हूँ, सो वो काम हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सेट द लिसनर एंड स्टार्ट करेंगे हम कॉरस्पॉन्डिंग एक्टिविटीज जो कि हम चाहते हैं अपने रिस्पेक्टिव बटन के क्लिक पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल्सो बेल आइकन भी दबा दें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।